दुर्ग के वार्ड 12 में बीती रात शराब के नशे में चूर गणेश यादव आरोपी ने अपने ही साथी राजेश यादव की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं घटना से पहले दोनों ही आदतन शराबियों ने फाग गीत पर नगाड़ा बजाकर आनंद उठाया, जिसके बाद किसी बात पर हुई विवाद पर एक ने दूसरे पर प्राण घातक हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। शराब के नशे में आरोपी ने युवक को पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। दुर्ग शहर में आए दिनों शराब की कालाबाजारी और अवैध नस्ली दवाओं का मामला सामने आता है। इसके साथ ही नशे का इस्तेमाल करने वाले और आदतन नशेड़ियों की वजह से किसी न किसी मामूली बात पर विवाद पर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर मामला हत्या तक पहुंचा दिया जाता है। इसी कड़ी में दुर्ग वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम में बीती रात शराब के नशे में धुत फाग गीत की टोली नगाड़ा बजाकर आनंद उठा रही थी। जैसा कि आप टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह ये दोनों शराब के नशे में चूर नजर आ रहे हैं। वहीं इसके बाद मिली जानकारी के अनुसार मोबाइल गुम होने की बात को लेकर मृतक राजेश यादव और आरोपी गणेश यादव का विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी गणेश यादव ने सारी हदें पार कर अपनी हैवानियत दिखाई। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए पल कितने दर्दनाक हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह आरोपी ने नशे में धुत अपने ही साथी की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर देता है, जिसके साथ वो थोड़ी देर पहले नगाड़ा बजाकर फाग गीत का आनंद उठा रहा था। इसी कड़ी में मोहन नगर पश्चिम वार्ड 12 के सक्रिय पार्षद अजीत वैद ने इस घटना को लेकर शासन प्रशासन से अपील कर कहा, लगातार नशे के सेवन के साथ घटनाएं बढ़ रही है, असामाजिक गतिविधियों को रोकने पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वार्डों में सजग रहे, साथ ही पेट्रोलिंग टीम गश्त लगाकर जारी रखवाए, जिससे आपराधिक किस्म के लोगों में भय बना रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक राजेश यादव की अभी हाल ही में शादी हुई है, पहले होली के लिए मायके गई उसकी पत्नी को घटना की जानकारी लगते ही वो सुध-बुध खो बैठी। वहीं मृतक और आरोपी दोनों ही मजदूरी का काम करते हैं। इस संबंध में वार्ड पार्षद अजीत वैद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिले का नागरिक हूँ, आमापाड़ा मोहन नगर वार्ड 13 का हूँ निवासी। मैं सर बहुत परेशान हूँ, मेरे मोहल्ले में नशे का आदि हो गया बहुत। मैं भी दुखी रहता हूँ, मैं भी मजदूर आदमी हूँ, काम धंधा करता हूँ, नशे में कुछ भी आने जाने में भी तकलीफ होता है, मारपीट नशे की हालत से कहीं कुछ भी बोल देता है तो मैं किसको क्या बोलूं सर, हैं ये सब तकलीफ है तो मैं क्या कर सकता हूं सर। इतनी बड़ी घटना हो गई मोहल्ले में, मेरा भी बच्चा है, हो सकता है वो बच्चे का भी हत्या हुआ है, वो तो आज का बच्चा था, अब उसका हत्या कर दिया है। क्या लगता है कि जो घटना हुई क्यों हुई है? नशे के हालत से हुआ है सर, वो क्या है नशे में, अब जानते हो नशे कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना भी नशे में नहीं रहना चाहिए। बाहर का नशे कारोबार कर रहा है, नशे में हो सकता है कुछ भी कर देगा, आज वो मरा है कल हम मर जाएंगे, ये सब बात है। इस घटना को ख़त्म करो, प्रशासन से इतना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको रोके और रोकथाम करिए। ये नशा कहाँ से आता है? आज मेरे वार्ड में एक बच्चा राजेश यादव करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसका मुख्य कारण मैं जहां तक समझ रहा हूं सिर्फ और सिर्फ नशा है। मेरे वार्ड में या मेरे वार्ड के समीप जितने भी वार्ड हैं यहां पर नशों का कारोबार ऐसा फल फूल रहा है और इसको सह कौन दे रहा है, कैसे शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन से मैं ये मेरी शिकायत है, जितने भी नशे का कारोबार करते हैं उसमें नकली कसा जाए और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके साथ हो, ताकि मेरे वार्ड के लोग और मेरे वार्ड के रहवासियों को जो आज दहशत नुमा जो आज माहौल बना हुआ है
हर महिलाएं हर बच्चे मुझसे पूछते हैं हम लोग कहाँ जाएं। हर माँ मेरे से सवाल करती है कि मैं अपने बच्चों को मेरे कौन से आंचल में से छुपा के रखूं जहाँ ये नशाखोर लोगों से अपने बच्चों को बचा पाऊँ। मैं प्रशासन से ये करबद्ध अनुरोध करूँगा कि मेरे वार्ड के समीप जितने भी क्षेत्रवासी हैं सबकी रक्षा सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन अपना शक्ति बढ़ाएं। और दूसरा, आसपास के एरिया में मैंने विगत लगभग मैं समझता हूँ 6 माह से किसी पेट्रोलियम को मैंने नहीं देखा है, और जो देखा हूँ तो वो रात में 2 बजे के बाद ही देखा हूँ। वो एक 2 बजे के बाद की पेट्रोलियम से मैं नहीं समझता कि सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाती है, जबकि पेट्रोलियम को हर क्षेत्र में कम से कम 4 से 5 बार पेट्रोलियम करना चाहिए ताकि वहाँ के लोकल जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं उनके अंदर एक दहशत रहे कि पुलिस कभी भी आ जाती है। ये दहशत जब तक नहीं होगा तब तक लोग सावधान ही रहेंगे, और ये जो असामाजिक तत्वों के जो लोग हैं और नशे का जो कारोबार कर रहे हैं ये मैं समझता हूँ उनको जब तक अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी उन पर नकेल नहीं कसा जाएगा तो ये घटनाएं जो आज हो रही है प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आज मैं समझता हूँ दुर्ग शहर का ये माहौल लगभग आज 6वां या 7वां घटना है। आज रिसेंट में आज सुबह दुर्गा चौक में भी एक लड़के को राड से मारा गया, यह घटना भी पुलिस में मैं थाने में था उस समय आई है। तो ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर वो बिल्कुल रोकथाम करें और अपना पुलिस बल बढ़ाएं और मेरे वार्ड के लोगों को मेरे शहरवासियों को रक्षा सुरक्षा आप प्रदान करेंगे, क्योंकि हम और ये पूरा भारतवर्ष जानता है पुलिस जागती है तभी आम आदमी सोता है। तो इस घटना होने के इतनी बड़ी घटना हुई है इसके लिए पुलिस थोड़ा सा जागरूक हो जाए और उनका जो एक्चुअल जो काम है वो जागे और ताकि हम लोग निवासियों को हमारी रक्षा सुरक्षा करें। वहीं इस मामले की जानकारी दुर्ग पुलिस को लगते ही मौके पर पहुंची मोहनगर पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी लेकर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है और मृतक की बॉडी को मर्चुरी भिजवा दिया गया है। इस संबंध में एडिशनल SP अभिषेक झा ने अपनी भी प्रतिक्रिया दी। ये थाना मोहनगर का घटना है, कल शाम की ये घटना है। कल एक सूचना मिली थी थाने को कि जो एक व्यक्ति जो है वो शराब के नशे में एक जो पत्थर से किसी व्यक्ति को कुचल दिया है और वो घायल अवस्था में उसको अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन अस्पताल से संपर्क करने पे पुलिस के द्वारा जब किया गया तो पता चला ब्रॉड डेड उसको घोषित कर दिया गया है। तो तत्काल पुलिस ने उस पर हत्या का मामला दर्ज करके उसकी खोजबीन चालू की और उसे तत्काल पकड़कर लाया गया और हिरासत में लेके पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया। स्वीकार करने के पश्चात जो संबंधित चीजें हैं जब्त की गई है और उसे आज माननीय न्यायालय ने पेश करके जेल दाखिल किया। ये आपस में विवाद हुआ था क्योंकि ये आदतन ये लोग शराबी प्रवृत्ति के हैं जिनके बारे में हिस्ट्री चेक किया गया था, शराब पीने के शौकीन थे। तो इसी बीच में किसी मुद्दे को लेकर इनके बीच में आपस में बहस हुई थी और उसके द्वारा सामने पड़े हुए पत्थर टाइप की चीजों से उसके बाद बात किया। सर, आरोपी मृतक के खिलाफ पहले उसकी हिस्ट्री चेक की जा रही है कि अगर वो कहीं और भी दूसरे जिले के अन्य थानों में अगर कहीं किसी प्रकार का अगर अपराध हो तो उसके उसमें डायरी में एड किया जाए। ये लगातार ये जो भी है जो परिस्थिति के अनुसार अगर मान लो कुछ होता है जिस जगह में अगर झगड़ा होती है तो वहाँ जो आसपास जो चीजें पड़ी होती है अधिकतर मामलों में उसी का उपयोग अपराधी के द्वारा किया जाता है। तो उस दौरान जब पत्थर सामने में था तो स्वाभाविक हो सकता है पत्थर को। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।